Uh, कठिन एक uh, दृष्टांत है जो प्रभु यीशु ने सारे दृष्टांतों में कहा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन और ये मुश्किल है समझना कि क्या चल रहा है एंड वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट व्हाट इट मींस एंड हाउ कैन वी अप्लाई इट टुडे इन आवर लाइव्स और ये कठिन यू भी है कि हम इसका अनुवाद कैसे करें और उसको अपने जीवन में कैसे लागू करें देयर आर टू और थ्री थिंग्स इन दिस इन दिस पैराबल दो तीन चीजें हैं इस दृष्टांत में that make it so difficult and people often stumble upon wrong understandings and wrong interpretations. see, for example, i read many people uh, talk about this, the evil manager as well as the evil owner in this parable. और uh, कई लोगों के विषय में मैंने पढ़ा जिन्होंने बताया एक uh, आ, मालिक के विषय में और एक भंडारी जो दोनों अन्यायी हैं और गलत हैं। सो द ओनर इज ए पार्टनर इन क्राइम विदल श्रूड मैनेजर इन दिसबल टू अकॉर्डिंग टू सम और कुछ लोगों के अनुसार इस दृष्टांत में जो स्वामी है वो इस अन्याय भंडारी के साथ मेल जोल खाता है दैट्स व्हाई ही इज प्राइजिंग एट द एंड ऑफ द parable ही इज द ओनर द इविल ओनर पार्टनर इन क्राइम इज प्राइजिंग हिज इविल एंड श्रूड मैनेजर फॉर द क्राइम्स दैट ही डिड इसलिए इस दृष्टांत के अंत में हम देखते हैं कि जो मालिक है इस भंडारी को बहुत ज्यादा उसको आ, उसकी प्रशंसा कर रहा है सारी गलतियों के लिए सारी गलत बातों के लिए जो उसने की

इसलिए हम बहुत कोशिश से सावधानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते is, और जो रहस्य है इन दृष्टांत को समझने का वो ये है टू लुक इन देयर ओन कॉन्टेक्सट कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स इन विच फर्स्ट टॉट और वो वो हम तब कर सकते हैं जब हम उसको उस दृष्टिकोण से देखें जिस समय में जिस संस्कृति में और जिस संस्कारों के बीच में ये बोला गया Now listen, this parable of, uh, the shrewd manager, और ये जो uh, दृष्टांत है एक अन्यायी और चालाक प्रबंधक के विषय में इन चैप्टर सिक्स ऑफ लुक लुका सोला में इज इन series ऑफ parables。 एक श्रृंखला में है इन दृष्टान्तों की दैट स्टार्टेड इन द प्रीवियस चैप्टर 15 जो पिछले अध्याय 15 लूका लूका 15 में शुरू किया इफ यू गो बैक टू चैप्टर 15 एंड रीड वर्स 3 यदि आप लूका 15 3 में जाएं यू वुड सी दैट जीसस बिगन टू टीच देम इन दिन आप देखेंगे कि यीशु शिक्षा देने लगे दृष्टांतों के बीच में और इट इन सम ट्रांसलेशंस जीसस टोल्ड दिस पैराबल और कुछ अनुवाद अनुवाद में इसमें लिखा है कि उसने उनसे यह दृष्टांत कहा पर वो केवल एक ही दृष्टांत से खत्म नहीं हो जाता खोई के 15. उसी अध्याय में 15 में तीन और दृष्टांत बताए जाते हैं अबाउट द सेम थीम इसी शीर्षक के मध्य में एंड दिस सेक्शन इन गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लुक

पिछले अध्याय में पंद्रह में इन दैरबल दैट है जिस दृष्टांत में एक एक बाप है दो बेटे हैं दिस सन दैट वी कॉल द प्रोडिगल सन और ये बेटा जिसको हम उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं डज एग्जैक्टली व्हाट द मैनेजर द श्रूड इवल मैनेजर इज डूइंग इन दिस पैराबल वो वही काम करता है जो यहाँ पर एक चतुर प्रबंधक या भंडारी करता है When he finds himself in trouble, the son comes back. और जब वो अपने आप को परेशानी में पाता है तो बेटा वापस आता है ही कंप्लीटली थ्रोज हिमसेल्फ ऑन द मर्सी एंड द फर्गिवनेस ऑफ हिज फादर तो वो जब वापस आता है तो वो पूरी तरह से अपने पिता की दया के ऊपर अपने आप को डाल देता है द मैनेजर इज ऑल्सो वेवर्ड लाइक द फ्रॉडिगल सन और जो प्रबंधक है जो भंडारी है वो भी एक उड़ाऊ पुत्र की तरह है वेन ही फाइंड हिमसेल्फ इन ट्रबल जब वो अपने आप को परेशानी में पाता वेन ही इज फायर्ड फॉर हिज वे वुड और जब वो अपने गलत कार्य के लिए जब उसको नौकरी से निकालने की बात आती ही ऑल्सो थ्रोज हिमसेल्फ कंप्लीटली एट द मर्सी एंड द फॉर गिवनेस ऑफ हिज मैस्टर तो वो अपने आप को अपने स्वामी के सामने क्षमा के लिए डाल देता द सन बिट्रेड द फादर स्ट्रेस्ट और जो बेटा है उसने अपने पिता के विश्वास को तोड़ा द मैनेजर ऑल्सो बिट्रेड हिज मैस्टर ट्रस्ट अपॉन हिम और जो प्रबंधक है भंडारी है उसने भी अपने स्वामी के विश्वास को तोड़ा बट The son, when he came to his conscience, but his to his own, he does not offer any excuses, he does not justify his actions. So advice, to the manager, also in this, when he is caught red handed,

देयर फादर्स मनी और दोनों में हमें दिखाई देता है कि अपने स्वामी और अपने पिता के पैसे को खर्च कर रहे हैं यू नो वेन द सन केम बैक आपको याद होगा जब बेटा वापस आया। इट वॉज सेड ऑफ हिम उसके लिए कहा गया

और जो पूरा अध्याय है खत्म हो जाता है हमको पता भी नहीं कि हुआ क्या? हमें नहीं मालूम कि बड़े बेटे को क्या क्या वहाँ कैसे समाप्ति हुई इन द सेम वे इन दिस उसी प्रकार से इस दृष्टांत में वी आर लेफ्ट ending. समथिंग इज मिसिंग इन दिस parable.

और अब हम ये पृष्ठभूमि देखने के बाद हमें कुछ थोड़ा सा इसका आभास हो रहा है कि इन दोनों में क्या मिलता जुलता है सो व्हाट इज द ऑडियंस ऑफ दिस तो पे जो सुनने वाले हैं वो कौन है एंड इज द कॉन्टेक्स्ट और किस संदर्भ में बोला जा रहा वर्स वर्ष वन से सोला अध्याय की पहली आय चैप्टर सिक्सटीन वर्स वन 16, Jesus was addressing the disciples. Yeshu which means not just the apostle, twelve apostles, he had thousands of other disciples. It is very much connected, as we rightly said earlier, to the chapter 15. और ये पिछले अध्याय से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है जीसस हैड बीन डिस्कसिंग द विद द स्क्राइब्स एंड द फैरिसीज और प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं फरीसियों से और अगुओं से ही वाज ट्राइंग टू शो दैट इट वाज ऑल राइट फॉर हिम टू बी ईटिंग विद द सिनर्स और प्रभु यीशु मसीह इनको भी ये बताना चाह रहे थे कि उसके लिए ठीक है कि वो पापियों के साथ भोजन करें दैट हिज कंडक्ट वाज विदाउट क्वेश्चन कि उसका जो स्वभाव था वो बिना किसी सवाल के था। Now he that up in this और वो अब दिस इज में इसको इज सेट इन द रूरल एग्रीकल्चरल कॉन्टेक्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी फेलस्टीन और आप याद रखें कि ये जो पहली शताब्दी फलिस्तीन पले, में है वहां पे ये एक गांव का एक uh,

and this landowner doesn't do the farming himself as we are used to in north american context और मालिक होने के नाते ये संदर्भ में ये जो मालिक है ये सारा काम नहीं करता जैसे हम नॉर्थ अमेरिका में सो वट ही और लेकिन वो करता क्या है लेबर टू द फार्मर्स तो इसलिए वो क्या करता है स्वामी वो कई लोगों को जो uh, किसान है उनको ये किराए पे ये uh, छोटे छोटे खेत दे देता है And in order to manage all the land, collecting rents from them, and he appoints a manager or a steward. So this manager <laughs> is the one who is managing all the property and rents for the land owner, the rich man who owns all the land. और ये जो प्रबंधक है जो भंडारी है इसकी जिम्मेदारी है सारे किराए की और सारे जो खेत है उसकी जिम्मेदारी को मालिक को बताने के लिए और जो ये किराया है ये ज्यादातर पैसे के रूप में नहीं इकट्ठा किया जाता सपोज देर वॉज ऑलिव फार्मीटेड और यदि उदाहरण के लिए देखें कि जैतून का खेत है और लोगों को दिया जा रहा है किराए पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द क्रॉप विल बिलोंग टू द मास्टर हु ओन्स द लैंड तो उसमें से उस खेत के हिस्से में से कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है वो उस मालिक का होगा एंड द अदर द फार्मर कैन की और जो दूसरा है वो किसान का हो सकता so है सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन दिस पैरे इन दिस पैराबल तो यही है जो इस uh, दृष्टांत में चल रहा है द Manager is shrewd and evil, and he is trying to make money underhand. है, है, and he was probably troubling the farmers who were renting the land from this rich landowner. And somebody was concerned about the behavior of the manager.

और वो जो है वो किसी प्रकार से दूसरे के गलत काम में शामिल नहीं दिस पोर्ट्रेज द मास्टर एज जस्ट मैन ये जो दृष्टांत है ये तस्वीर दिखाती है एक स्वामी की जो न्याय है एज ए गुड मैन एक अच्छा व्यक्ति है एज ए मैन हु इज हुईस एंड हु वांट्स जस्टिस एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मी है और जिसको न्याय पसंद है एंड ही इज आल्सो वेरी क्विक टू पनिश

तो ये इन किराएदारों के पास इन किसानों के पास जाता है them, uh, accounts, the, the, the their records, their और जो ये भंडारी था इसने जाके उन किसानों से उनके खाते को बदल दिया और उसमें बदलाव लाया सो वी सी दैट दिस मैनेजर ये देखते हैं कि जो भंडारी है

वो लिया जाए द मैनेजर इज कॉल्ड फॉर ही इज श्रूड मैन और ये जो प्रबंधक है इसको बुलाया जाता है और उसका नाम लिया जाता है उस बात के लिए जो वो गलत कर रहा he is a है। वेस्टफुल मैन इज अंड्रल और वो जो है वो खर्चीला और बुरा आदमी है सो द मैनेजर इज डिस्मिस्ड इसलिए उस प्रबंधक को हटा दिया जाता he is है इज नॉट स्कोल्डेड

और अब जो स्वामी है वो चिंतित है उन किसानों के लिए और उस सारे आ, आ, खेत के लिए जो उसने दिया है वट वॉज गोइंग ऑन इन दिस स्टोरी इज वेरी कॉमन इन द दिडल ईस्ट इवन अप टू इंडिया अपर्स द ईस्ट हाउ द द फार्मर्स रिच पीपल डील विद देयर लैंड एंड द फार्मर्स एंड द प्रजेंट और ये जो तस्वीर हम इस दृष्टांत में देखते हैं ये बिल्कुल उसी संदर्भ में हो रही है और ये भारत में भी हम इसको देखते हैं सो द मैनेजर इज अ पेड मैनेजर हु इज मैनेजिंग ऑल दिस अफेयर्स और जो प्रबंधक है

जो धनी किसान और लैंड ओनर या स्वामी है आस्क हिम टू ब्रिंग एंड हैंड ओवर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन साइंड विद द रेंटर्स वो बुलाता है इस भंडारी को कि अपना सारा लेखा जोखा दे सो नोबडी इन द फील्ड्स नोबडी इन द कम्युनिटी नोस येट दैट ही हैज बीन फाइंड और इस और कोई भी जो है समाज में नहीं जानता कि इसको काम से निकाल दिया बट ऑफ देंट्रल और जो केंद्र है है। इस uh, दृष्टांत का वो है। That this master is merciful. कि जो स्वामी है ये दयालु मास्टर so क्वेश्चन है the master questions him. इसलिए स्वामी उससे सवाल करता है मैनेजर इज साइलेंट और जो प्रबंधक है वो शांत है वो शांत है उसको नहीं पता क्या कहना क्योंकि वो पकड़ा गया और स्वामी उसको हटा देता काम से। और प्रबंधक भी शांत है। लैंग्वेज एज वेल एज इन द लैटिन लैंग्वेज लैटिनी भाषा में और संस्कृत भाषा में देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड मौनम सम्मदम लक्षणम मीनिंग यू रिमेन साइलेंट

या फिर जो शांत शांत होना है वो ये है कि आपने उस बात को मान लिया है कि आपने गलती की है सो द मैनेजर और इस पूरी कहानी में प्रबंधक भंडारी जो वो शांत है so इसलिए अब उसको काम से हटा दिया जाता रिमेम्बर जेल पे नहीं so जाना तो इसलिए समाज में किसी को नहीं मालूम क्या चल रहा है, अब जो है उसको समस्या है he will not get a job if he is fired so he, 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 he ponders on his options what can he do the parable says he, he, he thinks about digging he works he wants to work as a laborer then he says i can't really do that the other option is he, he thinks about begging और दूसरा जो काम वो सोचता है कि वो भूख मांगेगा बट ही इज ही हैज बीन अ रेप्यूटेबल मैन ही 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 हैज बीन अ मैनेजर इज एन एजुकेटेड पर्सन सो ही रूल्स दैट बैगिंग आउट आल्सो और क्योंकि उसका बड़ा नाम था और वो अच्छे अच्छी नौकरी पे था तो वो अपने ध्यान से इसको भी निकाल देता है सो ही वांट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम नाउ

और उसको नौकरी से इसलिए निकाला गया उस, क्योंकि उसने गलत काम से उस पैसे को खर्चा किया सो ही नीड्स टू चेंज द सिचुएशन बाय फाइंडिंग ए सोल्यूशन तो इसलिए उसको अपनी परिस्थिति को बदलना है ताकि वो एक समाधान ढूंढे एंड वट इज द दूशन दैट ही फाइंड और क्या समाधान पाता दैट ही रिस्क ऑन द अमाउंट ऑफ मर्सी क्वालिटी क्वान्टिटी ऑफ मर्सी दट इज मास्टर कैन गिव हेम और अब वो जो है अपने स्वामी के के द्वारा जो उसके ऊपर दया बरसाई गई है उसके लिए वो सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार है सो व्हाट डज ही डू इन हिज स्कीमिंग श्रूड स्कीमिंग माइंड व्हाट डज ही डू इसलिए अपने वो शातिर दिमाग में वो क्या चल रहा है उसके द फर्स्ट थिंग यू नो ही 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 डज इज दैट ही मेक श्योर दैट नोबडी इन द कम्युनिटी नोस दैट ही हैज बीन फायरड पहली बात वो ये कोशिश करता है कि किसी को समाज में ना पता पड़े कि उसको नौकरी से निकाल so दिया goes है। out of the house, इसलिए वो मालिक के घर से निकलता है एंड ही वो बुलाता है तमाम किराएदारों को जो खेत में खेत के लिए दिया गया था

और इसलिए जो किरायेदार हैं जो किसान हैं, वो इस प्रबंधक के पास आते They के, ask him, वो से पूछते or rather, हैं। हैं। वो पूछते ब्रिंग्स आउट ओपन बुक्स आई मीन अकाउंट बुक्स ही देम बट देन ही टेल मी व्हाट इज योर रेंट हाउ मच यू ओ माय मास्टर

Uh, jugs of olive oil because I have been farming the olives and the first farmer says what does the first farmer say uh, verse 6 yeah uh, hundred uh, quintal or kilograms or liters of oil or whatever the, uh, the, 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 the measures, of, measures of, oil. of oil that was

और वर्स uh, सेवन दूसरे uh, सातवें हाथ में लिखा उसने कहा सौ मन गेहूं या हंड्रेड क्विंटल और हंड्रेड किलोग्राम्स और हंड्रेड मेजर्स ऑफ वीट और उसने कहा सौ मन गेहूं एंड व्हाट डज ही आस्क हिम टू डू और वो से क्या कहता करने हियर इज योर कॉन्ट्रैक्ट ये अपना खाता बही ले इंस्टेड ऑफ हंड्रेड सौ के बजाय मेक इट एटी उसमें अस्सी लिख दे ऑल राइट right. फार्मर इज हैप्पी और स्वामी किसान uh, खुश हो जाता है मैनेजर इज गुड और उनके दिमाग में उनके प्रबंधक का जो

क्योंकि वो उनसे बार बार सवाल करता है कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है सो रिडक्शन इन द रेंट और इसलिए जो ये कमी है किराए में तो ये उनके लिए एक की तरह आता है स्वामी की तरह सिंग टू मास्टर बट इट्स रिड्यूस्ड और ये जो किसान है ये खुश हो जाते हैं ये अपने परिवारों में जाते हैं उनको बताते हैं कि उनका जो हिसाब है वो कम कर दिया गया है बोनस इज फ्रॉम द मास्टर और जो बोनस मिल रहा है वो स्वामी की तरफ से so the manager है मैनेजर गेट्स द क्रेडिट लेकिन सारा जो आ, आदर है वो प्रबंधक को मिलता है इज कॉल्ड मैनेजर इसीलिए उसको एक चतुर प्रबंधक कहा ईच ऑफ रिडक्शन और जो कमी के द्वारा उनको पैसा देना था is quite substantial. वो काफी ज्यादा है सो व्हाट वी सी इज है मास्टर इज जनरस एंड मर्सीफुल जो स्वामी है वो दयालु है और और दानी है। है। बहुत जल्दी उसको पता चलता rejoicing? के, uh, समाज में क्या चल रहा है क्योंकि लोग तो बहुत खुश हैं। so, और इसलिए ये जो uh, uh,

एंड रिटर्न टू मी द रेंट दैटर इट इज ड्यू इन और इसलिए स्वामी उनसे बोलता बंद करो और जब भी हो सके तो मुझे कर्जा लौटा दो रिमेम्बर और आप याद रखें ये जो स्वामी है ये इस बात को कर सकता था did not। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया his second option? तो दूसरा ऑप्शन क्या है कीपलेंट शांत रहे

वो अब इस बात पे रह गया कि स्वामी है वो बहुत दयालु और दानी है जेनरॉसिटी mercy द मर्सी मास्टर और सब कुछ उसने अपने आप को रिस्क पे दे दिया ये जानते हुए कि उसका उसका जो स्वामी है वो बहुत है। बहुत दयालु his his उसने अपनी बुद्धि को को अपने दिमाग इस्तेमाल किया। और उसने बड़ी चतुराई से। by reducing किया। this contracts, और इस कॉन्ट्रैक्ट uh, को कम करके नाउ द मास्टर और अब जो ये स्वामी है ये कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो शांत रहता है मैनेजर so वन और अब जो प्रबंधक है भंडारी वो जीत this, this और अब जो स्वामी है वो इस भंडारी से कहता तो तो तुम बहुत ही चतुर हो। और ये जो है इसकी तारीफ होती है Why? क्यों? इसलिए नहीं कि उसने क्या किया बट बिकॉज ऑफ द मास्टर्स मर्सी एंड generosity. पर uh, क्योंकि ये स्वामी की दयालुता और उसके दानीपन के फ्रॉम हिज एक्शंस दिस वाइज श्रूड मैनेजर और जो इसके जो कार्य थे इस चतुर uh, धूर्त व्यक्ति के सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फ्रॉम बेगिंग उसने अपने आप को अपने परिवार को भीख मांगने से बचाया ही सेव्ड हिज लाइफ अपना जीवन बचा लिया सो द मास्टर्स Mercy became the source of his salvation और जो परमेश्वर जो इस स्वामी की जो दयालुता थी वो इस व्यक्ति की प्रबंधक के उद्धार का कारण बनी नाउ व्हाट जीसस सेज इन वर्स 8 कैन Somebody रीड वर्स 8 प्लीज प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं लूका uh, 16 8 में लुक चैप्टर 16 इन वर्स 8 स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि सराहा मींस ही praised ही said शाबाश ही <coughs> said good you did a great thing इसलिए स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को शाबाश बोला और सराहा और उससे कहा कि तूने तो यह अच्छा काम किया है सो इट इज नॉट जीसस हु इज प्रेजिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग तो ये यीशु न, नहीं है जो uh, तारीफ कर रहे हैं और uh, अच्छी बात बोल रहे हैं द मास्टर इन दिस स्टोरी इज नॉट जीसस क्राइस्ट और ये स्वामी इस दृष्टांत में है वो यीशु नहीं है बट द रिच फार्मर पर

ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। So the first century Palestinian villagers listening to the story of Jesus. और ये जो पहले ये जो सु, uh, कहानी सुनने वाले जो लोग हैं पहली शताब्दी के। According to their culture. उनकी संस्कृति के अनुसार। They really rejoiced in this story. वो बहुत ही आनंद मगन हुए इस कहानी को सुनकर हाउ दिस मास्टर कि कैसे इस मालिक ने उनका जवाब दिया एंड सेव्ड द फैमिली अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेट द शूड मैनेजर गो स्कॉट फ्री और वो इस बात से खुश हुई है सुन, देख कर कि इस uh, स्वामी ने किस प्रकार से इस चतुर uh, भंडारी को जाने दिया उसको

Even if they err, if they fall in evil and they commit sins, they can be forgiven. They can come to this Master God, the Father of our Lord Jesus Christ, the forgiving, merciful Father. और वो इस परमेश्वर के पर मसीह के पिता के पास आ सकते जो दयालु पिता है एंड और वो, दया पा, सकते हैं। वो पा सकते हैं वो अपने पापों से क्षमा नॉट इन देर इविल वेज अपने दुष्ट कामों में नहीं बट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द मर्सी फादर लेकिन पूरी तरह से निर्भर होकर परमेश्वर की उस दया के ऊपर वन मोर थिंग एक और बात हमें मदद करेगी दिस पैराबुल पैटर्न ऑफ हाउ मच मोर विल यू ट्रस्ट गॉड मर्सी और इस uh, uh, दृष्टांत में एक पैटर्न है जो हमें ये भी बताता है कि तुम कितना ज्यादा परमेश्वर की दया को के ऊपर भरोसा कर रिमेम्बर इन लुक चैप्टर इलेवन आप याद रखें लुका में। रखिये और हम याद रखेंगे कि ये एक मित्र मध्य रात्रि वाला इविनट मिड नाइट चाहे वो मध्य रात्रि में आया इवन दो चाहे उसके पड़ोसियों ने उसको परेशान किया रात में उसको भोजन तो मिला हाउ मच मोर यू कैन ट्रस्ट गॉड टू प्रोवाइड फॉर यू यू इफ आस्क हिम फॉर ब्रेड और एनी ऑफ योर नीड्स और तुम कितना ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करोगे जो तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा हाउ मच मोर यू कैन डू इट और तुम कितना ज्यादा उस पर भरोसा कर सकते इन लुक चैप्टर लुक लुक 18 लुका 18 में देयर इज अ पैराबल ऑफ अ विडो एक विधवा का दृष्टांत शी वॉन्टेड जस्टिस फ्रॉम दिस काइंड जज और उसको न्याय चाहिए था इस जज के द्वारा शी शी आस्किंग हिम हिम सो इसलिए वो वो पूछती रही, पूछती रही रही बार बार उसके पास आती रही फाइनली शी गॉट वॉट शी वॉज आस्किंग फॉर और बाद में चलकर उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया हाउ मच मोर यू कैन कम टू गॉड द मर्सीफुल एंड फॉर गिविंग गॉड एंड

सब कुछ गलत करने के बाद भी वो अपने स्वामी की दया में आ गया ही was इन a क्राइसिस वो परेशानी में लॉस्ट lost everything। सब कुछ खो दिया। हिज रेपुटेशन उसका नाम हिज जॉब

जब आप उद्धार को ढूंढ रहे हैं help you. जो कुछ भी आप करेंगे ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी मदद करेगा completely इट इज कम्प्लीटली the kindness and the generosity ऑफ God. If they could receive that, depending on the mercy of God the Father Almighty, then how much, how much more you, my disciples, my listeners, and you, my dear friends who are listening today and maybe listening to it tomorrow, must depend upon the mercy of God. तो कितना ज्यादा ये लोग सुनने वाले और कितने ज्यादा जो आज हम सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे कितना ज़्यादा हम परमेश्वर की दयालुता पर क्षमाशीलता पर निर्भर कर सकते हैं आज हमारे लिए सवाल है कि आज हम किस पर कहां पर निर्भर कर रहे हैं द डिसाइपल्स नीडेड दिस काइंड ऑफ विजडम और ये uh, चेलो को चाहिए था इस तरह का ज्ञान टू डिपेंड वेन वी कैनोट डिपेंड ऑन आर सेल्स हम उस पर निर्भर करें जब हम अपने आप पर निर्भर नहीं कर सकते सिचुएशन इज होपलेस जब हमारी परिस्थिति जो है किसी आशा के वी कैन नॉट की जब हम अपने आप को छुटकारा नहीं कैन कोई हमें छुटकारा नहीं नो बड़ी कैन प्रोवाइड फॉर जहाँ कोई हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। कम्प्लीटली फॉल बैक ता पूरी तरह से निर्भर हो ग्रेट जनरस गॉड और केवल निर्भर करें अपने परमेश्वर के दान और उसके दया पर और उसके uh, अनुग्रह पर जो हमारे और, हम और आप ऐसा करते हैं

उनको क्षमा करता है एंड ही इज गिविंग द सेम इन्विटेशन टू यू इफ यू आर लुकिंग फॉर रिडेम्पशन सल्वेशन फॉरगिवनेस ऑफ सेंस और वो वही निमंत्रण आज हमें दे रहा है यदि हम तैयार हैं इस क्षमा को इस छुटकारे को पाने के लिए वुड यू एक्सेप्ट क्या आप इसको ग्रहण करेंगे वुड यू डिपेंड विद ऑल व्हाट यू हैव एंड ट्रस्ट दिस मर्सीफुल काइंड जेनरस गॉड क्या आप इस परमेश्वर पर जो दयालु और दानी है क्या आप इस पर पूरी तरह से निर्भर होंगे परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष लॉर्ड ब्लेस परमेश्वर हम सबको आशीष दे आइए प्रार्थना करें